गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स आदाब नमस्कार आप सभी देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 11 और हमारा यूट्यूब चैनल एन सी आर टी ऑफिशियल और मैं हूं कुसुम प्रसाद मैं आप सभी का इस सत्र में इस्तकबाल करती हूं स्वागत करती हूं आप सभी तलबा तलबात का और हमारा ये उर्दू का सत्र है और इससे पहले कि हम आज का सत्र शुरू करें हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं परीक्षा पे चर्चा से संबंधित तो इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करेंगे आइए इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जी के जीवन के मंत्र जाने की किस तरह तनाव रहित रहकर भी परीक्षा को उत्सव बनाया जा सकता है और इसका सीधा प्रसारण सभी दूरदर्शन समेत सभी प्रमुख चैनलों पर किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो से भी प्रसारित किया जाएगा तो इसे देखना ना भूलिएगा और वी वॉन्ट टू ऑल्सो शेयर अ इम्पॉर्टेंट मैसेज रिगार्डिंग जी ट्वेंटी We uh, are proud that India assumed the G20 presidency and will convey the G20 Leaders' Summit for the first time in the, in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would, would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role. By finding the pragmatic global solutions for the well being of all, and in doing so, manifest the true, true spirit of Vasudeva Kutumbakam or the world is one family. So, this was the message we want to share with you, uh, dear learners and listeners. And uh, now it's time uh, for the session. ऑफ उर्दू सेशन और हमारा ये आज का उर्दू का सत्र है कक्षा ग्यारहवीं के विद्यार्थियों के लिए और हम आपको बता देते हैं कि आज का मौजू क्या है आज का मौजू है हैदर अली आतिश की इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर बताने के लिए विस्तार से हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं सर हैं प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी सर सर आपका बहुत बहुत स्वागत आदा, आदा, आदा करते हैं हम आपका सर हैं डी एल एन सी आर टी न्यू दिल्ली से और सर इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताएँगे कि क्या कुछ है इस गज़लों में पहले हम आ, इससे पहले कि हम सत्र की शुरुआत करें आगाज़ करें हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं किस तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं और अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं तो डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से जो है आठ पर इसके अलावा आप हमें ई भी कर सकते हैं हमारा ई मेल है डी टी एच डॉट क्लास इलेवन एट द रेट पर और एक और जरिया एक और माध्यम अपने फीडबैक पहुंचाने का वो है हमारा यूट्यूब चैनल एन सी ऑफिशियल इसके लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और इस सीधे इस सत्र से जुड़ सकते हैं हमारे लाइव इंटरेक्टिव सत्र है तो हम चाहेंगे कि आप ज्यादा संख्या में इसमें जुड़ें और यदि आपके कोई प्रश्न है कोई सुझाव है तो आप जरूर अपने फीडबैक हम तक पहुंचाएं तो अब हम रुक करते हैं सर के तरफ तो सर हम ये गजलों के बारे में जानना चाह रहे हैं खौजा हैदर अली आतिश की गजलें तो सबसे पहले तो हम गजलों के बारे में ही जानेंगे कि सर वो है क्या गजल गजल किसे कहते हैं सर गजल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल है आ, बहुत ज्यादा हम लोग इसको पसंद करते हैं गजलें सुनते हैं उससे बहुत सारी खूबियां हैं और अगर ख़ूबियों की ही बात करें तो उसकी खूबी ये है कि ये नज़म की तरह मुसलसल नहीं होती है यानी कंटिन्यूटी में नहीं होती है किसी भी मौजू पर बल्कि इसका हर शेर जो है आ, अपने आप में मुकम्मल होता है यानी चाहे अगर मौजू के तबार से बात करें जो मौजू शेर में बयान किया गया है उस तबार से या मजमून की बात करें जो मजमून या ख्याल जो है पेश किया जा रहा है वो उस लिहाज से भी जो है हर शेर जो है वो अपने आप में अपनी जगह पर मुकम्मल होता है और दूसरे शेर से अलग होता है यानी कोई एक बात एक शेर में कही गई है दूसरी बात दूसरे शेर में कही जाएगी इस तरह की जो खूबी होती है वो इसमें होती है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसका हर शेर अपने मौजू अपने मजमून की लिहाज से मुख्तलिफ होता है और अपनी जगह पर मुकम्मल होता है दूसरी जो अहम बात है वो ये कि तमाम अशार जो हैं वो हम रदीफ़ होते हैं और हम काफिया होते हैं हम रदीफ़ और काफ़िया से मुराद ये है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो एक से होते हैं जो अगर सौतीबार से बात करते हैं तो वह हम अल्फाज होते हैं यानी आवाज़ में एक जैसे होते हैं और रदीफ़ को ये एक लफ्ज़ जो मुकम्मल काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ डालते हैं उसको हम बराबर जो है उसको वहाँ पर लेकर आते हैं तो ये चीज़ें इसमें होती हैं और एक और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि तमाम अशार में जो हैं उनके जो मिसरे होते हैं वह रदीफ और हमकाफिया होते ही हैं आ, लेकिन उसके जो पहले शेर की ख़ूबी है उसमें ये उसके दोनों मिसरे यानी हर शेर के दो मिसरे होते हैं दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफिया यानी दोनों में आ, ये इंतज़ाम किया जाता है कि उसमें काफिया भी आ जाए और रदीफ़ भी वहाँ पर मौजूद हो जिसको हम उसने मतला कहते हैं या, या सॉरी माफ़ कीजिएगा मतला कहते हैं तल्लु तो होने वाला जो कहते हैं तो इस तरह की खूबी उसमें होती है आपकी इस निसाब में जो ख्वाजा हैदर अली आतिश की दो गजलें शामिल की गई हैं उन कई अगर हवाले को हम सामने रखें तो आप देखिए एक शेर है उसमें सुन तो सही जहां में आ, सुन तो सही जहां में माफ कीजिएगा सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या कहती है तुझको हल के खुदा गायबाना क्या आप देखिए आखिर के हिस्से में फसाना क्या गायबाना, 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 गायबाना। क्या दो तरह अल्फाज आए फसाना और गायबाना ये दोनों एक आवाज़ हम सौ अल्फाज कहलाएंगे तो ये काफ़ी एक ही तरह से होते इसी तरह से और आगे, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो हर शेर का जो दूसरा मिसरा है उसमें इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ख़ज़ाना है ज़माना है, है तो इस तरह के लेकिन आखिर में किया एक लफ्ज़ बराबर आ रहा है या एक और ग़ज़ल है उनकी ये आरजू थी ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते यानी गुल के रूबरू करते रूबरू करते और गुफ्तगु करते या और आगे बढ़िए प्याम्बर न मयसर हुआ प्याम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ जबान गैर से क्या शरह है आरजू करते तो आरजू गुफ्तगु रूबरू ये इस तरह के अल्फाज हैं जो हम सब तो ये गजल की सबसे बड़ी खूबी होती है कि इस तरह से इस हयत में इसको पेश किया जाता है ये इसकी जो ढांचा है उसमें पेश किया जाता है तो यही सबसे बड़ी ख़ूबी है जिसकी वजह से गज़ल जो है हम पसंद भी करते हैं और एक ही शेर में पूरी बात भी मुकम्मल हो जाती है जी दूसरी जो सबसे बड़ी एक और ख़ूबी है जिसको हम सामने रखते हैं वो बड़ी ख़ूबी ये है इसकी इसका अख्तसार यानी बहुत ही कम अल्फाज चंद एक अल्फाज होते हैं और उसमें बहुत बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है बहुत बड़े से बड़ा मौजू बयान कर दिया जाता है पूरा एक फ़लसफ़ा भी जिंदगी का या कोई और फलसफा है या मोहब्बत का फलसफा है वो उसमें बयान किया जाता है तो ये जो इकतसार है वो भी इसकी एक बड़ी ख़ूबी और तहेदारी भी होती है यानी तह के साथ जो इस तरह के जो पहलू हैं वो इसमें शामिल होते हैं तो ये तमाम ख़ूबियाँ होती हैं गज़ल की जिसकी वजह से गज़ल को आज भी उसी तरह से हम पढ़ते हैं जिस तरह से पिछले जमानों के इसको का पढ़ा जाता था या गज़लों को कहा जाता था उसी तरह से आज भी उतनी ही मकबूल है तो इसीलिए उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिंफ सुखन कहलाती है बिल्कुल सर और गजलें बहुत पसंद की जाती हैं और कई लोग तो इसे गा कर भी इजहार करते बिल्कुल गजल, गजल लफ्जियात जो इस्तेमाल होती हैं इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो चूंकि इस तरह से और इस तरतीब से इस्तेमाल किए जाते हैं चाहे वजन की बात करें या बहर के इस्तेमाल से क्योंकि ये चीज़ें तलबा जो हैं पिछली जमातों में पढ़ भी चुके हैं वजन के बारे में बहर के बारे में तो वक्त कम होने की वजह से इस पर हम तफसील पर नहीं जाएंगे, तो ये इसमें एक रद्म पैदा हो जाता है और वह रद्म ऐसा होता है कि हर गज़ल हर तरह से उसको तरन्नुम के साथ पेश किया जा सकता है मौसी के साथ पेश किया जाता है तो ये इस तरह से इसको पेश किया जाता है और हम लोग बड़े दिलचस्पी के साथ जो है उसको सुनते हैं उससे महजूज़ होते हैं और उस कलाम को अगर वो बहुत अच्छी आवाज़ में है तो हमें वाकई बहुत पसंद आ, आती है वो गज़ल जी बिल्कुल तो आ, हम ये जानना चाहेंगे सर आ, क्लासिकल गज़ल के बारे में थोड़ा रोशनी देखिए इसकी बात जी। करने की वजह यह है कि सत्तरवीं और अठारहवीं सदी का जो जमाना है उर्दू शायरी की इब्तदा का ज़माना है तो ये ए, जो चीज़ें हैं इसमें अठारहवीं सदी और उन्नीसवीं सदी का जो इब्ताई ज़माना वो तो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि इसमें समाजी और सियासी एतबार से भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं पेश आई हैं अठारहवीं सदी के शुरू से ही ये पूरी अठारहवीं सदी एक अफरा तफरी का दौर रहता है समाजी एतबार से भी जाहिर है तब्दीलियाँ आई हैं उसी एतबार से जो है गज़ल के लिए भी एक खासा अहम हिस्सा होता है ख़ासा दौर रहता है और गज़ल बहुत सारे मोड़ लेती है और तरक्की की जो नई नई राहें हैं वो इसमें शुरू हो जाती है रही बात क्लासिकी गजल की हम जब बात करते हैं तो जो पुराना अहद है जो कदीम अहद जिसको हम कह रहे हैं कि अठारहवीं 17वीं, 17वीं सदी अठारहवीं सदी और उन्नीसवीं सदी तक की जो शायरी की बातें हैं तो उससे हमारी मुराद है वो कदरें वो शरियात है जो उस दौर का ख़ास हिस्सा है या उस दौर का खासा जिनको हम कहेंगे वो चीज़ें हैं जो उसमें मौजूद थी ये अदबी कदरें भी हैं और जमालियाती कदरें भी हैं यानी दोनों तरह से दोनों से पहले गज़ल के हर शेर में जब तक रब्त नहीं है रवानी नहीं है लफजी मुनासिबत नहीं है और कह लीजिए बंदिश की चुश्ती जिसको हम कहते हैं वो ना हो क्लासिकी ग का हिस्सा नहीं कहलाई जा सकती है ये जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद होती हैं तो रबत से हमारी मुराद ये होती है कि तो शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो ही नहीं आपस में रब्त रखते हैं बल्कि लफ्जियात हैं तराकीब यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल या तराकीब का इस्तेमाल किया जाता है जो उसमें आपस में एक खास रब्त पैदा है और मज़मून जाहिर है जो मजमून हम उसमें पेश कर रहे हैं जो मौजू हम उसमें पेश कर रहे हैं उसके दरमियान भी एक रब्त होता है रवानी का भी ताल्लुक जो है वो इसी तरह से होता है तसलसल उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, जो है वो वजन से भी मुराद की ली जा सकती है तो इसी तरह से ये सारे अगर लफजियात की बात करें तो ख़ास की लफ्ज़ियात जो है वो हमारे सामने उस दौर में नज़र आती है मिसाल के तौर पर आँख के लिए हम बहुत सारे लफजियात इस्तेमाल करते हैं नर्गस की बात करते हैं।, हैं दीदा की बात करते हैं सियाह सफ़ैद कहते हैं निगाह कहते हैं हतम तिरोतफम भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जो लफ्ज़ियात हैं एक मखसूस अंदाज में पेश की जाती हैं या आ, हम और अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आ, कफस की बात करते हैं पिंजरे की बात करते हैं कफस जिसको आप कहेंगे गुलु 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 गुल बुलबुल की बात होती है चमन की बात होती है आशिया की तो ये इस तरह की जो लफ्ज़ियात हैं ये क्लासिकी रवायत का हिस्सा हैं और यही वो तमाम खूबियाँ होती हैं जो द, आ, क्लासिकी गज़ल और कदीम गजल और उसके बाद के जो अदवार क्योंकि दरअसल ये क्या है कि अदवार हैं या दौर हैं अलग अलग जो गज़ल की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सामने पेश आते हैं तो इसीलिए जब मैंने शुरू में कहा कि सत्तरवीं सदी अठारहवीं सदी और उन्नीसवीं सदी की जो इब्तई दहाइयाँ हैं वहाँ तक अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें नजर आती हैं बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं गज़ल में भी बहुत सारे तजुबे हुए और वो निखर कर फिर एक नई शक्ल लेकर हमारे सामने आती है और इन तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए अगर हम आ, उस दौर की शायरी का मताल करते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लासिकी शायरी है ये जदीद शायरी है ये रोमानवी शायरी है या ए, इसी तरह के उनके नाम दिए लेकिन इनके दरमियान कोई हद फाजिल तय की जा सके ये ए, शायद मुमकिन नहीं है तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जी, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर अब हम रुख करते हैं आज के जो शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश जी उनकी ही गजलें हम आज वाले है, पढ़ने वाले है, तो आ, उनके तो हम मंजरनामा हमारे सामने नजर आता है ख्वाजा इधर अली आतिश का बहुत सारे शोरा उस दौर में गुजरे हैं बहुत सारे शायर हुए हैं जिनका जिक्र किया जाता है तो उन्हीं में एक नाम अली आतिश का भी है और आतिश की पैदाइश आ, 1777 में आ, हुई थी फैज़ाबाद में आपके जो वालिद थे ख्वाजा अली बख्श उनका नाम था आ, ये इनके अजदाद दिल्ली में रहते थे पुराना किला जो उस वक्त था उसी के आ, इलाके में इ, इनकी रहाइश थी लेकिन जब हालात दिल्ली के अबतर हुए औरंगज़ेब के वफात के बाद जो अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा हुआ मुग़लों के दरमियान तो फिर ज़्यादातर लोग जो है वो दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने शुरू हो गए तो उसी दौर में जो है ख्वाजा अली बख्श भी जो है अपने ख़ानदान के हमराज जो है फैजाबाद तशरीफ़ ले गए और फैजाबाद में उन्होंने वहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली यानी वहाँ रहने लगे और उसके बाद चूँकि उनका जो थे सूफ़ी मंश आदमी थे दो तो और नक्शबंदियाँ सिलसिले से उनका ताल्लुक भी था तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पर पीरी मुरीदी का जो था वो पेशा इख्तियार कर लिया या उनका उसका सिलसिला जो है उन्होंने वहाँ पर शुरू किया और वहीं से जो है अपनी गुजरे अवकात जो है वो उनकी औकात पसर करने लगे ये तमाम चीज़ें जो हैं वहीं पर उनकी ख्वाजा हैदर अली की पैदाइश हुई इब्तदाई नाम इनका हैदर अली था लेकिन बहुत कम उम्र में ही जो है उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वालिद के इंतकाल के बाद ही जो है वो जो मुसल जो एक तालीम का जो सिलसिला है वो बाकायदगी बायदगी होना चाहिए वो नहीं हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तौर पर बहुत तालीम हासिल की फ़ारसी की तालीम हासिल की और फारस और शेर गोई का जो सिलसिला है वो शुरू से ही जो है शुरू हो चुका था और बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने शेर कहना भी शुरू कर दिए थे अब वो उस वालिद के इंतकाल के बाद चूँकि कोई ऐसा सिलसिला नहीं था उनके पास तो लिहाजा वो जो सिपागरी पेशे यानी जो फ़ौजी हुआ करते थे उनके साथ जो है उनकी सोबत में आ गया और फिर वहाँ उन्होंने शमशीर ज़नी जो है वो सीख ली यानी शमशीरबाजी जिसको आप कहेंगे तलवारबाजी और तलवारबाजी में बड़ी महारत उन्होंने हासिल कर ली तो गुस्से के बहुत वो थे जरा सी बात गिरा गुजरती थी तो थोड़ी थोड़ी देर में ही तलवार खींच लिया करते थे और हमेशा आखिर उम्र तक का जो है उनका जिक्र जो मिलता है तो कहते हैं कि वो तलवार अपने जो लिबास था उसके साथ तलवार हमेशा वो बांध कर रहते थे तो ये तमाम जो चीज़ें थीं वो उनकी शख्सियत के साथ जुड़ी हुई हैं जिसके लिए वो खासे वो थे जहीन काफ़ी थे फिलबदी अशार जो है वो कहने की सलाहियत रखते थे और उर्दू और फारसी दोनों में वो शेर कहते थे चूँकि फारसी कलाम दस्तयाब नहीं हो हुआ है उनका। आ, लेकिन तस्करों में जिक्र जरूर उनका मिलता है तो ज़्यादातर जो अशार हैं वो फारसी में भी मौजूद हैं उनके लेकिन उर्दू शायरी का समानतर कलाम उनका मौजूद है और उनका जो आ, कलाम है वो उनकी ज़िंदगी में ही शाइ भी हो गया था कुलियात की शक्ल में बाद में भी वो शायर हुआ है तो ये इस तरह से जो उनकी शख्सियत का आ, 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 मामला है वो है और अठारह में जो है वो उनकी वफात हुई तो ल, लेकिन एक चीज़ और इसमें बता दूं कि फैज़ाबाद में फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जो आ, उस वक्त के जो नवाब थे वहाँ पर उन नवाब के यहाँ जो है उन्होंने मुलाजमत कबूल कर ली थी और नवाब मोहम्मद तकी जो थे बहुत मशहूर थे रईस थे वहाँ पर तो उनके यहाँ उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली लेकिन कुछ वक्त के बाद जब नवाब उद्दीन हैदर फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हो गए थे आ, तो उनके साथ ही नवाब मोहम्मद तकी भी लखनऊ आ, आ गए और फिर हैदर अली आ, आतिश भी जो है वो उनके साथ ही जो है लखनऊ आ गए और यहीं पर जो है उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली आ, फिर मोहम्मदली तकी के बाद जो और फिर उनको बादशाह वक्त जो उस वक्त थे उस वक्त की तरफ से उनको एक वजीफ़ा मुकर हो गया था अस्सी रुपये महाना आ, जो है उनका वजीफ़ा मिला करता था लेकिन उसमें भी वो ये करते थे कि बहुत कम रकम जो है वो घर पर दे देते थे, थे और बाकी जो है वो आ, जो गरीब ज़रूरतमंद लोग थे उनमें वो तकसीम कर दिया करते थे इस तरह से थे और आखिर वक्त में सूरत ये होती थी कि वो उनको एक आध रोज़ जो है फाक़े की भी नौबत आती लेकिन उन्होंने अपना ये रवैया जो है हमेशा जारी रखा शागिदों की एक ख़ासी लंबी तादाद थी यानी बहुत सारे शागिद थे उनके उनके कलाम में इल्म नजुम फ़न ख़ाती और ये इस तरह की जो असलाहें हैं वो बड़ी खा उसमें मिलती हैं तो ये तमाम तरखूबियाँ हैं जो उनके कलाम में भी मौजूद हैं अठारह सौ सैतालीस में उनका इंतकाल हुआ इंतकाल का भी मामला ये है कि बहुत ही खामोशी के साथ अपने घर में ही थे और बहुत ही कह सकते हैं भले मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो यूँ लिखते हैं कि एक दिन भले चंगे बैठे हुए थे यकायक मौत का एक ऐसा झोंका आया और केशोले की तरह बुझ कर रह गए यानी अचानक ही उनकी मौत हुई और उनको उन्हीं के मकान में जिस मकान में वो रह रहे थे उसी में उनको जो है दफन कर दिया तो ये उनके ज़िंदगी के मामलत हैं जिसको हम सामने रखते हैं जहाँ तक शायरी की बात है तो उनकी शायरी में बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं सबसे पहली चीज़ ये कि उस तहजीब के वो परवरदा थे जो तहजीब जो थी लखनऊ की ख़ास एक तहजीब हुआ करती थी चूँकि एक रिवायत जो है जो जब उनके वालदन जब मंतिल हुए थे दिल्ली से लखनऊ की तरफ तो दिल्ली की भी कदरें जो हैं उनके यहाँ मौजूद थी और वहाँ से लेकर के भी साथ ही साथ जो है लखनऊ में भी उन्होंने उसकी खास वो रखा तो उनका हलका जो था चाहने वालों का शागिदों का बहुत वसी हलका था और सब लोग जो उनकी शख्सियत थे और उनकी शायरी दोनों के ही दिलदादा थे तो ये तमाम चीज़ें जो उनके पास थी वो वहाँ पर मौजूद थी आ, ये सब बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो आज भी ज़बान ज़द हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि ज़रबलमसल की हैसियत रखते हैं मिसाल के तौर पर अगर एक शेर आ, हम देखें ज़मीन चमन चम, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या बदलता है रंग आसमा कैसे कैसे आ, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं या एक वो बहुत मशहूर शेर है मिटे नामियों के नशां कैसे कैसे जब हम कभी मुहावरे के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गुरूर तकबर होता, होता है तो उसके लिए भी बतौर नसीहत इसका इस्तेमाल करते हैं न गौर सिकंदर है कब्र डारा मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे या बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक खतरा खूंका ना निकला तो ये वो अशार हैं जो जबान जद है जिसको हम जो है महावरे के तौर पर कह लीजिए इस्तेमाल करते हैं या मिसल की हैसियत रखते हैं तो उस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हो हर उनके जो अशार हैं वो हर अहद में जो है मुतासर करते रहे हैं और यूँ लगता है कि वो आज के ज़माने के अशार हैं या जो हमारी कैफियत कलबी आज है वो भी उसी तरह से उससे मुमासलत रखते हैं जबकि आप गौर कीजिए कि उनको गुजरे हुए तकरीबन ढाई सौ साल का अर्सा हो चुका है अठारह सौ सैतालीस में उनका इंतकाल हुआ है तो तकरीबन ढाई सौ साल का अरसा हो चुका है या इससे ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है लेकिन उनके अशार आज भी उसी खूबसूरती के साथ उसी दिलचस्पी के साथ जो है हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बिल्कुल सर तो सर अब जो ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गजलें हैं उनके शेरों की तशरी भी कर लेते हैं व्याख्या भी हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बता देते तो हैं कम है लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ, कुछ चीजें जो हैं उनकी गजलों के हवाले से बात कर सकें जी। आ, पहली गजल जो निसाब में शामिल है उसका मतलब यही है सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या कहती है तुझको खल खुदा गायबाना क्या यानी जब हम किसी से मुखातिब होते हैं और ये उसको खुशफ़हमी होती है आ, उस शख्स को जिससे हम मुखातिब हैं तो उसको मुखातिब होकर जब हम कहते हैं तो इसी तरह से कहते हैं खुशफहमी किस बात की है खुशफहमी इस बात की है कि वो जो कुछ सोच रहा है वो सही सोच रहा है जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है जो कर रहा है वो सही कर रहा है यानी एक तरह से कह लीजिए हाकि वक्त है तो उसके लिए जब उसको मुखातिब होकर कहते हैं कि भाई तू इस खुशहमी में मुफ्तला है कि तू जो कुछ भी कह रहा है वो सही है तो जरा सुन तो सही यानी तुझे मालूम नहीं है कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं या दुनिया में आ, जो कहानियां तेरे बारे में न, न, कही जा रही हैं या जो तुझसे मुत्ल कहानियां बन रही हैं उन्हें भी तो सुन ले और सुनकर ये अंदाजा लगा ले कि तेरे बगैर या तेरे गायबाना गायबाना मतलब गैर हाजिरी जिसको हम कहेंगे तेरी गैर मौजूदगी में तुझे किस तरह याद किया जाता है या तेरे पीठ पीछे तुझको लोग क्या कहते हैं? हैं ये एक बहुत ही अहम फलसफा है जिंदगी का हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे सामने जो कुछ लोग कह रहे हैं हम उसको बेहतर मान लेते हैं लेकिन पीठ पीछे क्या लोग कह रहे हैं तो उसको हम नहीं देखते हैं और फिर जो सामने हमारे होता है हम उसी की बिना पर फैसला कर लेते हैं और अपनी शख्सियत भी उसी तरह से ढाल लेते हैं तो शायर का कहना ये है कि भाई तू थोड़ा सा इस बात को महसूस तो कर इस खुश इस खुश फहमी से बाहर निकल के तू जो कुछ भी सोच रहा है जो कुछ भी कर रहा है वो तेरे लिए बेहतर है लेकिन दूसरों के लिए बेहतर है वो तुझे अंदाजा तब होगा जब तेरी पीछे लोग उसके बारे में जो बातें कहेंगे जाहिर है सामने एक तरह का अदब कह लीजिए खौफ कह लीजिए या ताजीम कह लीजिए जिसके लिहाज करते हुए लोग जो है बातों को कहते हैं लेकिन जो असल बात होती है वो उसके गायबाना में ही होती है इसीलिए कहते हैं कि अगर सामने ही अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है वो ज्यादा बेहतर नहीं है बल्कि आपके पीछे भी कोई तारीफ करे तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगी तो ये फलसफा जो है इसमें बयान किया गया है दूसरा शेर इसका है जेर जमी से आता है जो गुलर बकफ कारू ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या यानी जेर जमीन जेर जमीन के नीचे जमीन के नीचे से जो गुल की तरह गुल सु गुल की मानिन जर बकफ जर होती है दौलत बकफ हाथ में हाथ में लिए हुए जो आ, दौलत या कह लीजिए जो सोना निकल कर आ रहा है किसकी तरह से आ रहा है गुल की शक्ल में जमीन है जमीन के ऊपर आप देखते हैं ना तरह-तरह के खूबसूरत फूल निकलते हैं तो फूल क्यों निकल रहे हैं क्या वजह है जमीन से इस तरह सी चीजें क्यों निकल रही है जाहिर है जमीन के अंदर कोई ना कोई इस तरह का खजाना या इस तरह की खूबी छिपी हुई है जिसकी वजह से वो खूबी या वो खजाना बाहर निकल रहा है गुलों के साथ या गुलों की शक्ल में दूसरे मिसरे में इस बात ही को वजाहत की गई है वो ये कि कारू ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या कारून एक शख्स था जो हजरत मूसा के जमाने में हुआ करता था बहुत ही मालदार शख्स हुआ करता था और उस मालदार शख्स की खूबी ये थी कि उसके खजानों की जो चाबियां थी वो कई कई ऊंटों पे लाद कर जाती थी इतना जबरदस्त उसके पास खजाना था इतनी दौलत उसके पास थी बहुत सारी लेकिन वो दौलत अपने पास ही संभाल के रखता था यानी कंजूस बहुत था तभी हम कई बार जिक्र भी कारून का खजाना है क्या बिल्कुल मुहावरे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको आपको कारून का खजाना हाथ लग गया है शायद तभी आप इस तरह से पैसे लुटा रहे हैं तो ये इस तरह की जो मुहावरे वहीं से जुड़े हुए हैं तो वही कानून का वाक ये है कि कानून ने जो है ये तमाम जो दौलत उसके पास थी और एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह नाराज हुआ तो वो सारा के सारा खजाना अपने आप जमीन के अंदर धंस गया वो जा रहा था और जाते थे उस सारा जमान जमीन के अंदर चला गया यानी उसके पास कुछ नहीं इस तरह से जो वाकया है तो उस की तरफ इशारा किया गया है अब इसको उससे देखिए जोड़ करके जमी से आता है जो गुल, सू, ज़र, बकफ, गुलों ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या यानी जो कारून का खजाना था वो रास्ते में इस तरह से लुटा दिया गया कि वही खजाने से जो है ये फूल की शक्ल में बाहर निकलकर आ रहा है जी। ये दूसरे एक इसके और भी मानो है इसके एक और मानी इस तरह से हैं वो ये कि अब शेर का मामला ये है कि आप जिस तरह से आप सोचना चाहें जिस अंदाज से इसको आप सोचे उसी तरह से इसके मानी भी निकलते दूसरे मानी इसकी ये है जो मुराद लिए जाते हैं वो ये कि जमीन के अंदर कैसी कैसी बड़ी शख्सियतें कैसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हस्तियां हैं वो इस जमीन के अंदर पनाह हो गई है दफन, दफन है या इनके अंदर न, सो रही है कितनी बड़ी बड़ी वो उन हस्तियों का ही ये असर है कि उनकी शक्ल में ये जो गुल की शक्ल में बाहर निकल कर आ रहा है तो ये वहां से इस तरह से जोड़कर जिस तरह से भी आप मानी को चाहें इसको अंदाज दे सकते हैं तो जेर जमी से आता है जो गुलसू जर वकफ कारू ने रास्ते में लुटाए खजाना क्या अगला शेर है तबलो अलम न पास है अपने न मिल को माल हमसे खिलाफ होकर करेगा जमाना क्या यानी तबलो अलम तबल जिसको आप नकारा कहते हैं अलम जिसको झंडा कहते हैं मेरे पास ना नकारा है ना अलम है ना मिलकियत है दौलत है हमारे पास ना माल है कुछ नहीं है हमारे पास हमसे खिलाफ हो कि करेगा जमाना क्या तब अलम उस पूरी रिवायत की तरफ आपको गौर करना होगा जो उस वक्त मौजूद थी उस वक्त ये था कि बादशाह वक्त जब किसी से इनाम या उस उसको इनाम और से नवाजते थे, थे तो उसको कुछ एक मनसब दिया जाता था और उस मनसब के साथ उनको शाही नकारा और शाही अलम जो मखसूस होता था अलग अलग दर्जा जिस तरह के अभी पचास हज़ार बीस हज़ारी दस हज़ार इस तरह के जो होते थे मनसब तो वो उनको नकारा और अलम उनको दिया जाता तो जब भी कभी वो जाया करते थे या कहीं जाते थे तो वो नकारा और वो अलम उनके साथ चलता था ऐसे तारीख में बहुत सारे वाकयात दर्ज हैं कि बादशाह ने जब उनसे वो इनाम या ख़लत उनसे जब वापस लिए तो सबसे पहले वो नकारा और अलम उन्हें वापस करना होता था बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं अगर रहीम ख़ान ख़ाना के वाकयात को आप पढ़ें तो उसमें आ, आ, उनके साथ हुआ कि उनको नकारा और शाही अलम उनको वापस करना पड़ा तो ये तबल और अलम, ये दो वो चीज़ें हुआ करती थी जो उनका एजाज़ होती थी जो उनका इनाम होता था तो शायर कहता है कि मेरे पास ना तबल है ना अलम है ना तो मेरे पास आ, आ, श, आ, कुछ इस तरह का नकारा है ना ही कोई झंडा या अलम है मेरे पास और ना ही जो है मेरे पास मालो दौलत है तो ऐसे सूरत में अगर ये जमाना मेरे खिलाफ हो भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हमारे पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे हमें जाने का कोई खदशा हो या जिसके गुम हो जाने का या जो हमसे वापस ले लिए जाने का छीन लिए जाने का हमें कोई खदशा हो तो हमारे पास ऐसा कोई सामान ही मौजूद नहीं है जिससे हमें यह डर हो कि ये चीज हमारे उससे चली जाएगी तो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो एक फलसफा बयान कर दिया गया है अगला शेर इसका है आती है किस तरह से मेरी कब्जे रूह को आती है किस तरह से मेरी कब्जे रूह को देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या बहाना कौन ढूंढ रहा है मौत, मौत ढूंढ रही है और मौत हमें कैसे आती है किसी ना किसी बहाने से आती है बर रास्त नहीं आती है चाहे वो हादसा हो जाता है या हम बीमारी में मुबतला हो जाते हैं या कोई और वाकया कोई और सानिया होता है जिसमें मौत इंसान की मौत हो जाती है तो मौत के पीछे पूरा एक तस्वर है कि उसकी रूह जो है जब उसमें से निकाल ली जाती है जिसम से तब वो मौत हो जाती है अब रूह जो है जिसको हम आत्मा कहते हैं तो आत्मा शरीर से ले जाने के लिए भी तो कोई होगा जो आत्मा को ले जा रहा है जो रूह को कब्ज कर रहा है वो बराए रास्त तो नहीं कर सकता कोई किसी से क्यों नाराज होगा या कोई किसी पे क्यों इस तरह से खात्मा करेगा तो कोई ना कोई बहाना जो है वो तलाश किया जाता है और उस बहाने से उसकी जिंदगी का खात्मा होता है तो शायर इसी एक नुक्ते को बयान कर रहा है इसमें कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं मैं ये देखना चाहता हूं कि मौत ऐसा कौन सा बहाना ढूंढ रही है मेरी रूह को कब्ज करने के लिए इतना सी एक बात है और उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो बयान किया गया है कि आती है किस तरह से मेरी कब्जे रूह को रूह को कब्ज करने के कब्जा करने के लिए ठीक है देखो तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या आखिरी शेर इसका है गजल तो बहुत लंबी है इसमें आपके निसाब में सिर्फ पांच अशार ही शामिल हैं तो आखिरी शेर इसमें जो है वो ये है यू मुद्दई हसत से न दे दाद तो न देई मुद्दई जिसको कहते हैं दावा करने वाला जो होता है उसको मुद्दई कहते हैं महावरा है ना मुद्दई चुस्त गवा गवा चुस्त मुद्दई सुस्त सर एक और है मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा बिल्कुल है। बिल्कुल वो तो है। कई जगह इसका इस्तेमाल किया गया है जी बिल्कुल जी। इसको इस्तेमाल करते हैं यानी दावा करने वाला या जो कोशिश करने वाला है लाख बुरा चाहे वो कुछ नहीं होता होता वही जो ऊपर वाले ने बिल्कुल तय कर रखा है वो है तो इस तरह के मामला तो ये मुद्दे से मुराद है गवाह दावा करने वाला तो अब मामला क्या है हमने कोई चीज बनाई है या कोई चीज़ कही है तो हम तो करते हैं कि उसकी तारीफ की जाएगी यह इंसानी फितरत है जी। यहाँ पर भी इस शेर में शायर का जो कहना है तखलुस का शेर है तखलुस वो शेर होता है जिसमें शायर अपना आ, मकते का शेर है जिसमें शायर अपना तखल इस्तेमाल यानी पेन नेम जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आतिश लफ्ज़ जो है वो उसने अपना यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो कह रहा है कि मैंने गज़ल जो कही है वो बहुत ही आशिकाना है यानी जो मजामी उसमें हमने बयान किए हैं जो मौजू हमने बयान किया जो मजमून हमने बयान किया है वो बहुत ही उमदगी के साथ उसमें पेश कर दिया गया है लेकिन मुद्दई जो है वो उसकी दाद नहीं दे रहा है ता उसकी तारीफ नहीं कर रहा है अब मुद्दई क्यों नहीं दे रहा है वो शायद उसका हरीफ हो सकता है या हो सकता है हसद रखता हूं हसद यानी जालिसी जिसको आप कहेंगे जालिसी की वजह से यू मुद्दई हसद से न दे दात तो न दे आतिश गजल ये तूने कही आशिकाना क्या यानी आतिश तुमने जो ये बहुत ही पाकिजा और बहुत ही बुलंद मजामी जो है वो अपनी इस गजल में बयान किए हैं अब भी अगर हसद की वजह से हरीफ जो है उसकी दाद ना दे तो वो दीगर बात है या दूसरी बात है यानी उसकी परवाह नहीं हो लेकिन तुम्हारी ये जो गजल है वो लाजवाब है और बहुत खूब है बहुत अच्छी गजल है इस एक नुकते को इस शेर में बयान किया गया है। तो ये इस तरह से आपने गौर किया कि गजल की जो खूबी है वो यही है कि इसमें हर शेर पहला शेर जो है वो बादशाह या हाकिम वक्त के बारे में है कि वो अपनी चीजों को किस तरह से देख रहा है और वो जो कुछ भी कर रहा है खुशफहमी में मुबतला है वो मामला है वहां पर दूसरे शेर में उन्होंने कहा कि जमीन के अंदर से ये जो फूल की शक्ल में खजाना बाहर आ रहा है उसकी वजह क्या है तीसरे शेर का मतलब ये है कि आ, आ, हमारे पास ना मालो जा है ना हमारे पास दौलत है तो हमारे किसी चीज के गायब हो जाने का या अगर जमाना हमारे खिलाफ हो जाए या दुश्मन हो जाए तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता एक और शेर है जिसमें मौत के बहाने का जिक्र किया गया कि मौत किस बहाने से आएगी हम वो मंजर देखना चाहते या वो बात देखना चाहते और आखिरी शेर में खुद अपने बारे में उन्होंने कहा कि हमने ये तमाम जो बातें या जो गज़ल हमने कही है कितनी खूबसूरत है अगर इसकी दाद मुझे नहीं मिल रही है तो वो उसकी वजह ये है कि वो मुद्दई का हसद है जलम की वजह से हरीफ जो हमारा है उसको इतना हसद हो रहा है कि वो उसकी दाद भी देना गवारा नहीं करना जो कि खिलाफ तहजीब है तहजीब के खिलाफ अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हमें तारीफ करनी चाहिए और अगर कोई चीज खराब या तबीयत को गिरा गुजरती है तो उसका इजहार भी करना चाहिए ये अलग अलग मौजूद दूसरी चीज ये इसमें रदीफ और काफिया का इस्तेमाल भी बड़ी खूबसूरती के साथ तीसरी चीज ये लफ्जियात जो इस्तेमाल की गई है वो एक अलग पहलू रखती है यानी चीजों को बयान करने का अंदाज क्या किन अल्फाज के जरिए जो है वो चीजों को पेश किया गया है जल्दी से मैं एक और गज़ल की तरफ इनकी जो दूसरी गज़ल जो है जो निसाब में शामिल है उसकी तरफ बात आ, उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए इस आ, में भी पांच आशार जो है यहाँ निसाब में शामिल है हालांकि बहुत सारे और अशार भी है। बहुत खूबसूरत गज़ल है बहुत गाई भी गई है यह गजल। ये गज़ल ये आरजू थी तुझे गुल के रू बरू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तु करते यानी ये आरजू थी आरजू से मुराद ये कि हम ये ख्वाहिश रखते थे कि तुझे गुल के रूबरू करते गुल यानी फूल फूल के रूबरू करते और हम और जो बुलबुल बुल है उसको जो है दोनों बैठ करके गुफ्तु करते क्यों करना चाहते करना यह है कि हर आशिक जो है वो ये मानकर चलता है कि वो जिससे उन्सियत रखता है जिस जो उसको अजीज है जो उसका महबूब है वो दुनिया का हसीन तरीन शख्स है यानी बहुत ही हसीन तरीन है वो बिल्कुल अलग है मुनफरिद है और वो ये कहता है कि फूल से भी ज्यादा हसीन है हत्या फूल से भी ज्यादा हसीन है ऐसी सूरत में वो चाहता है कि मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो जाए यानी सर्टिफिकेशन हो अब इस सर्टिफिकेशन के लिए वो कह रहा है कि गुल का ताल्लुक बुलबुल से है बुलबुल बुल एक ऐसा परिंदा है जो हमेशा गुल के आसपास रहता है और गुल के चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा चाहता है यानी कह सकते हैं उस फूल का आशिक है तो अब इसकी तस्दीक के लिए कि मेरा महबूब खूबसूरत है या फूल खूबसूरत है वो कहता है कि हम ये चाहते हैं या ये मेरी आरजू है कि मैं अपने महबूब को फूल के बराबर रख कर देखूं दोनों को एक जगह जमा करूं और फिर मैं और बुलबुलें बेताब बुलबुल को बेताब कहा गया है क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है या उसे बहुत ज्यादा चाहत है। कहा तो बुलबुल के लिए गया है सॉरी बुलबुल के लिए कहा है लेकिन उससे है कि शायर अपनी बेताबी का जिक्र करना चाहता है कि मैं कितना बेताब हूं इस बात को मनवाने के लिए तो दोनों को एक जगह जमा करते हैं यानी महबूब को और गुल को एक जगह जमा करते हैं और हम और गुल, -गुल जो है वो आपस में गुफ्तु करते हैं या बातचीत करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि भाई अब बताओ किसका महबूब ज्यादा खूबसूरत है सिर्फ एक इतनी सी बात कही यानी अपनी आरजू को बयान करना चाह ये आरजू थी तुझे गुल के रू रू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तु करते अगला शेर है पयाम बर न मयसर हुआ तो खूब हुआ जुबाने गैर से क्या शरह आरजू करते यानी प्याम्बर पैयाम को ले जाने वाला भाई हम अपना कोई भी मैसेज या कोई भी खबर कोई पैयाम दूसरों तक पहचाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक जरिया होगा और वो जरिया जो है कोई पैगाम ले जाने वाला होगा तो वो जो पैगाम ले जाने वाला है जिसको हम प्यांबर कहते हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना पैगाम अपने महबूब तक पहुंचाना चाहते थे लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि पैगाम को ले जाने वाला नहीं मौजूद था या वो नहीं था तो प्याम्बर को न मैसर या पैम्बर न मौजूद होने को वो अपनी खुशी जाहिर करने की शक्ल में पेश करता है अपनी खुशी इसलिए कि चलो अच्छा हुआ खूब हुआ जो है खूब हुआ एक मुहावरा है जिसको कहते हैं अच्छा ही हुआ चलो ठीक है अच्छा ही हुआ ये अगर अच्छा ऐसे हो जाता तो शायद कुछ और मामला बिगड़ जाता तो ये मामला हम म, जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो पैयांबर ना मैस, मैसर हुआ तो खूब हुआ खूब हुआ यानी अच्छा हुआ जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते ज़बान गैर यानी किसी दूसरे की जुबान से हम क्या उम्मीद करते शरह आरजू आरजू की वो किस तरह से बयान करता किस तरह से उसकी तफीब करता हम उससे क्या तो करते हो सकता था कि वो बाद में हमारा खुद रकीब ही बन जाए क्योंकि उसको अपने महबूब पर इतना ज्यादा जो है वो उनसे उनसियत रखता है कि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी उससे बात करे या कोई उसका हरीफ पैदा हो या रकीब पैदा हो तो ये जो इस तरह की चीजें हैं सिर्फ एक चीज बयान करने की बात की गई है वो ये कि ये बहुत खूब हुआ कि पयाम्बर नहीं मिला और अपनी इस खुशी को वो इन अल्फाज में वो पेश करता है ये यहां पर सबसे बड़ी खूबी है जो बयान की गई है अगला शेर है मेरी तरह से मैं माह मैं महर भी है आवारा किसी हबीब की ये भी है जस्तुजू करते फसियात पर गौर कीजिएगा कि मेरी तरह से मैं हो महर मह माह जिसको आप कहते हैं चांद के मानो में इस्तेमाल होता है महर यानी जिसको आप सूरज कहते हैं ये चांद और सूरज जो है वो मुसलसल जो है गर्दिश कर रहे हैं यानी बराबर घूम रहे हैं यानी उनको आवारगी है वो भी आवारा है किस तरह से आवारा है मेरी तरह मैं भी आवारा हूं और मैं क्यों आवारा हूं या मैं क्यों भटक रहा हूं क्यों मारा मारा घूम रहा हूं क्योंकि मुझे किसी हबीब की तलाशे या किसी हबीब या दोस्त या महबूब से मिलने की जुस्तुजु है तो मेरी इस तरह की जो आवारगी है उस का तो एक सबब है उसकी तो वजह है कि मैं किसी हबीब की जस्तुजू में हूं उसको मिलना चाहता हूं तो मैं आवारा हूँ या मारा मारा घूम रहा हूं परेशान घूम रहा हूं आवारा से मुराद परेशान के भी है और मारा मारा फिरने वाला के भी तो परेशान तो मैं तो हूं हुँ. तो ये चांद तारीख आखिर किस लिए गर्दिश कर रहे हैं ये क्यों इस तरह से आवारा आवारगी इन्होंने इख्तियार की हुई है तो वो अपनी जस्तुजू को अपनी तड़प को अपनी लगन को चांद सूरज की गर्दिश के साथ जोड़ कर देखना चाहता है खूबी यह है कि इसमें माह का लफ्ज भी इस्तेमाल है महर का भी इस्तेमाल यानी दोनों एक दूसरे की जिद है चांद और सूरज रात और दिन से मुराद तो ऐसी जहाँ पर दो तरह की तजाद मुताद बातें जब जमा की जाती हैं किसी शेर में तो वो उसको हम सनत तजाद कहते हैं तो आतिश के यहाँ ये तमाम ख़ूबियाँ बहुत हैं उनके यहाँ सनतों का इस्तेमाल बहुत मिलता है बहुत तकरीबन कमोबेश हर दूसरे या तीसरे शेर में जो है वो किसी ना किसी सनत का जिक्र दूसरी एक और चीज़ इसमें एक सनत तालील भी है सनत तालील वो होती है जहाँ पे ऐसी वजह बताई जाए जो असल में मौजूद ना हो लेकिन कहीं कहीं ना कही जो है उसका रिश्ता जोड़कर चांद और सूरज दोनों गर्दिश कर रहे हैं क्योंकि कुदरत का निजाम है नेचर ने एक फिक्स किया हुआ है इसलिए वो गर्दिश कर रहे हैं लेकिन उस असल वजह ये नहीं है कि वो किसी हबीब की तलाश में लेकिन यहां वो पहलू शायर लेकर आ रहा है इस बात को बताने के लिए कि हम आरी जो जस्तजु है और उनकी जो जस्तजू है दोनों एक जैसी है एक जैसी है है ना अगला शेर है वो जाने जा नहीं आता तो मौत ही आती दिलो जिगर को कहां तक भला लहू करते लहू करना यानी मिटाना बर्बाद करना तकलीफ देना ये चीज है यानी वो जाने जा नहीं आता यानी जो दोस्त है हबीब है महबूब है वो नहीं आता हम इंतजार में और इंतजार का एक वो दर्जा होता है जहां पर खुद को मिटाने की आरजू हो जाती है खुद को खत्म करने की तो वो जो चीज है वो कह रहा है कि अगर वो नहीं आता तो मौत ही आ जाती मौत आ जाती ताकि हम कहां तक जो है अपने दिलो जिगर को इस तरह से तकलीफ देते या किस तरह से इसका खून करते लहू करते इस एक पहलू को बयान किया गया है यहां पर अगला एक और आखिरी जो इसमें शेर है वो ये बाती ही मुहावरे के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको न पूछ आलम बरगशत ताली आतिश आतिश नाम है शायर का और आतिश के माने आग के भी हैं बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते हैं आलम यानी हालत एक कैफियत जो है आलम जो आलम है बरगशतः ताली बर्गशत से मुराद है यहाँ पे मुतारफ या कहते हैं बिगड़ा हुआ जो होता है जो खिलाफ हो जाए इस तरह से वो ताले ताले कहते हैं क़स्मत को ताले तो बर्गश्त ताली दोनों को मिलाकर कहा गया है ब हमारी बदकस्मती शायर कह रहा है कि हमारी जो बदकस्मती का आलम है या जो हमारी ख़राब क़स्मत का जो आलम हम आ, अक्सर वो बेशर करते हैं ना शिकायत कि हमारा मुकदरी खराब है हमारा नसीब खराब है हमारा किस हमारी किस्मत खराब है जो ऐसा हो गया तो यहाँ पर वो इस कैफियत को बयान कर रहा है शायर कि हमारी जो बदकस्मती है या जो बदनसीबी है उसका आलम पूछने के लायक नहीं है यानी न पूछो क्यों क्योंकि कैफियत यह है कि हम अगर बारिश की आरजू कर लें तो बदकिस्मती का आलम यह है कि आग बरसने लगे बारिश तो दूर की चीज है बल्कि उसके खिलाफ हो जाएगा बरसती आग जो बारह की आरजू करते आग बरसना वो भी एक मुहावरा है और वो मुहावरा जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती है तब हम Uh, कहते हैं आग बरसना तो आग बरसने लगती अगर हम बारिश की आरजू कर बारिश की आरजू हम क्यों करते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए गर्मी की सख्ती कम हो जाने के लिए इसलिए हम करते हैं तो आग और बारिश दोनों की दोनों एक दूसरे के मतजाद हैं तो सनत तजाद जो है वो इस शेर में इस्तेमाल की गई है आतिश तखलस है इसलिए ये शेर नक्ते का शेर है अब आपने गौर किया होगा कि इसमें एक लफ्ज आया है आरजू लहू जुस्तुजू, फिर ऊपर आरजू गुफ्तगु, रूबरू ये अल्फाज जो हैं वो काफिए के अल्फाज़ हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए करते हर एक शेर में रिपीट हुआ है करते रूबरू करते गुफ्तु करते आरजू करते जस्तुजू करते लहू करते और फिर आखिर में भी आरजू करते तो करते लफ्ज जो है जो वो रदीफ है तो ये जो इस तरह से इस गजल की तरतीब है जो यहाँ पर मौजूद अभी बहुत सारे अशार हैं लेकिन ये पांच अशार जो हैं वो इस गजल के यहाँ पर पेश सर, गजल की खूबी ये भी होती है कि जो आ, इसका जो शायर होते हैं वो अपने नाम का भी जिक्र कर देते हैं बिल्कुल देखिए गजल का जो स्ट्रक्चर है उस गजल के स्ट्रक्चर में आ, बात रह गई थी शुरू का जो शेर होता है उसमें एक खास खूबी ये होती है कि उसमें दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम रदीफ और हम काफिया होंगे तो वो मतले का शेर कहलाता है और अगर दूसरा शेर भी जो है इसी तरह का हो तो वो आ, उसको जो है उसमें मतला भी कहते हैं तो ये इस तरह की खूबी होती है लेकिन आखिर में जो शेर होता है वो मक्ते का शेर कहलाता है तो मतला मक्ता ये भी जो हम अपनी आ, रिवायती शायरी की बात करते हैं पावन शायरी की बात करते हैं उसमें ये पाबंदी से इस्तेमाल किया जाता था मकते का शेर वो होता था जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल पेन नेम और ये तकरीबन हर शायर करते थे बाद के जमानों में फिर जो है बहुत सारी ऐसी गजलें कही जाने लगी जिसमें मक्ता फिर इस्तेमाल नहीं करते थे या अगर करते भी थे सॉरी अपना तखलस इस्तेमाल नहीं करते थे और करते भी थे तो दरमियान के किसी शेर में उसका जिक्र कर लेते थे जहाँ पर भी वो मुनासिब समझते थे तो ये वो पहलू था जो इसमें यहाँ पर रखा गया तो ये गजल का एक खास होती है ख़ास उसका स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के अंदर इतनी सारी पाबंदियों का है, तमाम करते हुए अपनी बात को कहनी होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है मुश्किल भी है मुश्किल इसलिए कि इतनी सारी चीजों की पाबंदी करते हुए एक और भी चीज है इसमें वजन का भी ख्याल रखना पड़ता है वजन ये कि जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरतीब में ही वो लफ्ज भी आने चाहिए यानी अगर कोई तख्ती की बात अगर हम करें तो तख्ती बहुत वक्त भी नहीं है

ला, दो लाइने की गजल गजलें होती है शेर होते हैं दो लाइन का शेर होता दो लाइन का शेर दो, होता दो है मिस्रे कहते जी, हाँ, जी।, जी तो दो लाइन के शेर में ही उसकी जो तशरीह होती है कितनी हम अपनी तरह से कर सकते हैं और आ, उसको अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सर काफी छोटे शब्दों में ही बहुत बड़ी बात बया की गई होती है बिल्कुल इंतजार जो बहुत बड़ी खूबी है गजल की सबसे बड़ी खूबी इसीलिए हम पसंद भी करते हैं वो बात जिसके सारे फसाने में जिक्र था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी यानी बहुत बड़ी बात कह दी गई यानी पूरा की पूरा हादसा हो गया पूरा आ, मामला गुजर गया और उसकी सजा भी मिल गई लेकिन ये नहीं मालूम कि वो बात कहीं थी नहीं कहानी में आई ही नहीं वही बात उनको नागवार गुजरी तो ये इस तरह की जो बातें हैं एक पूरा की पूरा फलसफा और चूंकि ये वो अहद था 18वीं सदी और 19वीं सदी तब 19वीं सदी के बहुत आगे तक भी वो अहद था जिसमें इस तरह की कोशिशें हो रही थी कि अपने जो दाखिली ख्यालात हैं तस्वुरात हैं वो लोगों के साथ शेयर करें और उनके साथ इन चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करें इसलिए ये कोशिशें बहुत हुई थी उस वक्त भी जी। तो तो ये तमाम चीजें हैं और गजल की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि हर शेर अपने आप में मुकम्मल होना चाहिए तो सर आज हमने आ, काफी डिटेल में जाना ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजलों के बारे में और आपने आ, कुछ गजलों की तश्री भी करी और हमें उम्मीद है कि जो हमारे एंड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा और वह इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर दोबारा से इस चैप्टर को वो पढ़ें तो सर आप यहाँ आए और हमें इन गज़लों के बारे में बताया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद थैंक यू सर तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आज था क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू की ये लाइव सत्र था जिसमें आज आप पढ़ रहे थे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लें और अब वक्त है आपसे विदा लेने का लेकिन जाते जाते हम एक मैसेज एक संदेश आपसे साझा करना चाहेंगे परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कि इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करेंगे तो आइए प्रधानमंत्री जी के जीवन के मंत्र जाने और जाने की तनाव रहित रहकर भी परीक्षा को सफल कैसे बनाया जा सकता है और सभी को इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन समेत सभी प्रमुख चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा तो इसे देखना ना भूलिएगा और वी वॉन्ट टू शेयर अनदर मैसेज रिलेटेड टू जी ट्वेंटी वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वेन द जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or uh, the world is one family. सो दिस वॉज द मैसेज वी वॉन्ट टू शेयर विद यू और इसके साथ ही हमारा ये सत्र भी संपन्न होता है हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद फिर से हाजिर होंगे एक सत्र के साथ कक्षा बारहवीं के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर तो आप कहीं मत जाइए जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार